अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं दिलशद मिर्जा रजा इस वक्त वाड़ी पुलिस थाने के सामने मौजूद हुआ है ना, क्योंकि टाइम तो है 10:59:54, मतलब सुबह 10:60, मतलब सुबह के डायरेक्ट 11 बज चुके हुए है ना। और तारीख तो जो है 5 मई 2023, दिन जो है शुक्रवार, जिसे हमारे इसमें जुम्मा का दिन कहते हैं ना। और 7:10:11 पे निकला था यशोधरा नगर से जो वाड़ी, जो है लगभग जो है 9:04 पे एक शख्स से मिला था मुझे, जो काटो नाके के 1.5 किलोमीटर के लगभग, तो इनने मुझे 9:03 पे बिठाया टेम्पो में। बोले बैठिए बैठिए बैठिए, बैठने का इरादा नहीं था, तब भी बैठ गया मैं। 9:07 पे 4 मिनट के बाद में मुझे उतार दिया, कम से कम 1.5 किलोमीटर, वरना दिलशद मिर्जा थाने के पास ही यशोधरा नगर जो घर जो पड़ता है वो 16 किलोमीटर पड़ता है, वरना दिलशद मिर्जा 14.5 किलोमीटर पैदल चल के आया है ना। क्योंकि यहाँ पे आया एक चिकन की दुकान पे 10:30 के लगभग, हाँ 10:20 पे रुका था यहाँ पे, वजू वगैरह बनाया। वजू वगैरह बनाने के बाद में ताज़ा वजू बनाया, इसके बाद पुलिस थाने वाड़ी पुलिस थाने के अंदर कम से कम 25 मिनट तक का रिलैक्स किया, क्योंकि ज़रूरी भी है ना, है ना। 15-16 किलोमीटर पैदल चल लिया, 1.5 किलोमीटर ऑटो वाले ने छोड़ा तो क्या हुआ। दिलशद मिर्जा ने अपने कदम पीछे कहीं से नहीं लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पैदल जा रहा है ना। कुंडाली से 1.5-2 किलोमीटर सूफी नगर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिलशद मिर्जा की जीत होंगे। प्लाट नंबर 451 आसिफुर आके अब्दुल वहाब नियर बिलाल मस्जिद यशोधरा नगर, जो 5 भाई जो इन्वॉल्व है मेरी बीवी के मैटर में, सपूरा मिर्जा के मैटर में, गलत का अंजाम गलत होगा है ना। इंसान जो है बोला था कुछ लोग सलाखों के पीछे लॉकों में जेल में जाएंगे, कुछ लोग दिलशद मिर्जा के हाथों फाइनिंग करके करेगा फाइनिंग, वो दिन दूर नहीं। और कुछ लोग जो है पर बोल के करेगा जो भी करेगा, और कुछ लोग जो है रूहानी तौर पर जिन जिन्नत के हाथ खबीज के हाथ से काम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।